वही महिम में मां शारदा देवी मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम मेहर के कर्मचारियों को विगत 7 माह से बिना किसी कारण को बताए वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा। वृद्ध आश्रम मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदाय अनुदान राशि और समिति अंशदान एवं ग्राम वासियों से संचालित किया जाता है और शारदा देवी मंदिर प्रबंधन समिति में कार्यरत सभी कर्मचारियों के समान वेतन दिए जाने के कारण ये समस्या पैदा हुई। यह समस्या सर जो है तो 6 माह से वेतन नहीं मिला है। हम लड़के बच्चों को अपने कपड़े नहीं पहनने के खरीद सकते। माँ शारदा प्रबंधक समिति मैहर इसको संचालित करती है वृद्धाश्रम को। वेतन जो है प्रशासक ने रोका है, 6 महीने से रोके हैं। कहते हैं कि वो कोषालय अधिकारी के यहाँ वहाँ जांच में फाइल गई है तो अभी आज तक तो कोई नहीं है। घर परिवार से सहयोग लेते हैं, माता पिता से अपने सहयोग ले लेते हैं, गल्ला पानी ले आए, थोड़ा बहुत खर्चा पानी चल रहा है। जो वृद्धाश्रम के हमारे 6 कर्मचारी हैं, सामाजिक न्याय विभाग से इनका वेतन का भुगतान होता है। ये मंदिर शारदा प्रबंधन समिति के कर्मचारी नहीं है, ये शासकीय कर्मचारी है।